हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं बाल्मीकि स्वागत करता हूँ आपका अपने बाल्मीकि यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम यूट्यूब के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको मैं यूट्यूब के पांच ऐसे खतरनाक टिप बताऊंगा जो कि आप जान के बोलोगे वाह मजा आ गया मजा आ गया। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। पहला ट्रिक है इसमें, मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं और वीडियो के किसी एक सेकंड पे या फिर किसी एक पार्टिकुलर समय पर आपको ऐसा लगा कि ये वाला इस सीन ये सीन बहुत ही बढ़िया है और आप इसको व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे शेयर करते हैं किसी को, तब शेयर करते समय आप उनको लिखना पड़ता है कि ये मान लीजिए आपने 1:30 पे आपको बहुत बढ़िया सीन लिखा है, तो आप दूसरे को भी बताना चाहते हैं कि 1:30 पे जाके देखो। तो आप वहां पे आपको लिखना पड़ता है, आपको वीडियो को जब आप शेयर कर देंगे उसके नीचे लिखना पड़ता है कि 1:30 पे जाके देख। लेकिन इस टिप्स के अनुसार आप 1:30 पे आपको बढ़िया सीन दिखा है तो जब आप शेयर कर रहे हो तभी आप 1:30 को सेकंड में लिख दीजिए, जैसे कि 1:30 का सेकंड हो जाएगा 90 सेकंड। जैसे आप उसको 90 सेकंड लिख के वहां पे शेयर कर देंगे तो जब वो सामने वाला बंदा उस वीडियो को प्ले करेगा, उस लिंक को क्लिक करेगा, तो डायरेक्ट वो 1:30 पे ही जाएगा, मतलब आगे पीछे नहीं जाएगा। आपको जितने सेकंड पे चाहें उसको उतने सेकंड पे वहां पर वीडियो शेयर कर सकते हैं। दूसरे टिप्स में ये है, मान लीजिए जब कभी हमारा रजा होता है या फिर कोई भी हम छुट्टी पे होते हैं तब हम मोबाइल लेके अपना यूट्यूब चलाने लगते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमने कितना देर मोबाइल चला लिया, यूट्यूब चला लिया कितना देर। मान लीजिए 2 घंटा 4 घंटा 5 5 घंटे तक लगातार मोबाइल यूट्यूब सब के बीच चल जाता है और उसके बाद हमको पता चलता है अरे रे रे मैंने तो 5 घंटा मैंने 2 घंटा बर्बाद कर दिया, तो ऐसा आपको मन में फील होता है। तो इसके हटाने के लिए यूट्यूब में एक फीचर डाला है रिमाइंड टू ब्रेक, आप इसके हिसाब से जाके अपने जो टाइमिंग है उसको सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने आधा घंटा 1 घंटा टाइमिंग सेट किया है तो उसके बाद वो आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपका टाइम आउट हो चुका है, आपने 1 घंटे का समय लगाया था, 1 घंटा खत्म हो गया है, अब आप आराम कर लीजिए। तीसरा टिप्स, अभी क्या हो रहा है लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोग घर पे ही बैठे हैं और अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं, नेट चला रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि जब ज्यादा लोग नेट चलाएंगे या फिर ज्यादा लोग ब्राउज करेंगे वीडियो को यूट्यूब पे तो यूट्यूब का जो सिस्टम है उसके ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा और वो हैंग भी हो सकता है और वहां से पूरा कनेक्शन ब्रेकआउट भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि यूट्यूब हो गया, अमेजोन हो गया, या फिर अलग अलग जैसे वीडियो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे वीडियो आपको दिखता है, तो वो सब उसको जो क्वालिटी है 1080p से घटा कर उसको 480p कर दिए हैं। लेकिन अब आपको 1080p पे ही देखना है वीडियो तो अब आप मेरे बताए हुए टिप्स के जरा इसको जान सकते हैं। तो पहला टिप्स ये है इसके अंदर कि या तो आप अपने ब्राउजर के अंदर यूट्यूब को ओपन करके वहां पे आप 180 पिक्सल पे उसको देख सकते हैं, और दूसरा या फिर आप वीपीएन लगाइए और वीपीएन के अंदर जो अपना सर्वर है वो यूएस का सर्वर होना चाहिए। जब आप इसको यूएस का सर्वर लगा के वीपीएन से कनेक्ट करके उस यूट्यूब एप्लीकेशन को चलाएंगे तो वो 180 पिक्सल पे चलने लगेगा। और आपने देखा होगा कि जब हम YouTube का प्रीमियम या फिर ट्रायल वर्जन में ले रहे होंगे तो अब आप उसका पिक्चर इन पिक्चर मोड पे भी YouTube का चलता था, लेकिन अभी जैसे ही आपका ट्रायल वर्जन या फिर प्रीमियम खत्म हो जाएगा तब वो आपका पिक्चर इन पिक्चर मोड पे नहीं आएगा। लेकिन यदि आपने उसको VPN से चलाया तो वो पिक्चर इन पिक्चर मोड में भी चल जाएगा YouTube आपका। इस लॉकडाउन के समय में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लड़के हैं वो ऑनलाइन YouTube से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है मान लीजिए कि आप कोई YouTube पे वीडियो देख के आप उस पर पढ़ रहे हैं तो आपको लिखना पड़ता है, नोट बनाने पड़ते हैं कि इस सेकंड पे क्या बोला इस सेकंड पे क्या बोला, तो उसके लिए आपको वीडियो को बार बार पॉज करना पड़ता है, पॉज करके वहां पे लिखना पड़ेगा फिर उसको प्ले करना पड़ता है, तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ओपन ट्रांसक्रिप्ट। जैसे ही आप ओपन ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको उस वीडियो में जितने भी नोट्स होंगे जितने भी जो डायलॉग होंगे वो सेकंड वाइज आपको वहां पे मिल जाएंगे, आप वहां उसको लिख सकते हैं, उसको अपने मोबाइल में नोट करके रख सकते हैं। ये जो फीचर है ये बहुत सारे वीडियो में नहीं होता है लेकिन जो पढ़ाई लिखाई वाले वीडियो होते हैं उसके अंदर ये फीचर जरूर इनेबल होता है। इसमें आखिरी जो टिप्स है जो कि मेरा भी बहुत फेवरेट है, इसे मान लीजिए आप किसी भी अपने फेवरेट यूट्यूबर के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करते हैं कि मजा आ गया बहुत बढ़िया रिप्लाई कर दो ये कर दो वो कर दो, तो कमेंट करने पे क्या होता है उसके वीडियो पे बहुत सारे
कमेंट आते हैं, तो कमेंट आने पर वो आपका जो कमेंट है उसके अंदर छुप जाता है, वो देख नहीं पाता है। तो ऐसे में अगर उसकी नजर में आने के लिए आप अपने जो कमेंट कर रहे हैं उसका फॉन्ट साइज मतलब कि अलग अलग प्रकार से लिखेंगे जो कि सबसे अलग होगा, तो वो उसके सामने पढ़ लेगा कि हाँ आपने क्या कमेंट किया है। मतलब ये नजर में बहुत जल्दी आएगा। इसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि एक एप्लीकेशन ये है जिसको मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये वीडियो है, तो इस वीडियो पर कमेंट करना है तो आप पहले मान लीजिए आपको इसको बोल्ड में लिखना है, तो आप इसको स्टार उसके बाद वाल्मीकि जी और उसके बाद स्टार लिखेंगे, तब यहाँ से जब इसको सेंड करेंगे तो ये बोल्ड में चला जाएगा। उसके बाद आप इसको अंडरस्कोर उसके बाद वाल्मीकि जी लिखते हैं और उसके बाद अंडरस्कोर को ओवर करके यहाँ से जब इसको सेंड करेंगे तब आपका ये इटैलिक में चला जाएगा। अगर आपको इससे और भी बढ़िया में लिखना है, बहुत ही बढ़िया में लिखना है, तो आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि चैट स्टाइल, ये व्हाट्सएप के अंदर भी काम करेगा। आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लीजिए, ये 3 MB का एप्लीकेशन है। सिंपली इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसको यहाँ से ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद ये कुछ लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद ये कुछ प्रचार आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। अब मान लीजिए मेरे को इस फॉन्ट में लिखना है, तो यहाँ पे पहले इसको क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको जो लिखना है, जैसे के लिए लिखना है सब्सक्राइब दिस चैनल। अब यहाँ से लिख करने के बाद यहाँ पे कॉपी का आइकन दिख रहा है जो व्हाट्सएप के बाजू में, आप यहाँ से सिंपली इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो जाने के बाद आप उस जो आपका यूट्यूबर है उसके कमेंट सेक्शन में जाके यहाँ पे आपको सिर्फ पेस्ट कर देना है। आप यहाँ से पेस्ट कर देंगे, ये देखिए इसी फॉन्ट में आ गया। जैसे आप करेंगे इसको तो आ गया। तो ऐसे आप अपने जो फेवरेट यूट्यूबर्स हैं तो उनके लिस्ट में आप आ सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपके लिए रोजाना ऐसा ही एक एक नई नई वीडियो लेके आता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। मैं आपसे मिलता हूँ कल की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।